हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम आपके साथ सर्दी स्पेशल गोंद के लड्डू की रेसिपी शेयर करेंगे, जो स्वाद के साथ साथ सेहत का भी ध्यान रखेगी दोस्तों, और खाने में बहुत ही ज्यादा मजेदार लगेगी। लड्डू बनाने के लिए हम गैस के ऊपर एक कढ़ाई रखेंगे और इसमें 1 टेबल स्पून देसी घी डालेंगे। यहाँ पर हमने 200 ग्राम गोंद ले लिया है। थोड़ा थोड़ा गोंद डाल करके हम इसे लो फ्लेम पर भूनेंगे। अगर आप मीडियम या हाई फ्लेम पर भूनेंगे ना तो गोंद कच्ची रह जाती है, इसलिए आप इसे लो फ्लेम पर ही भूनें और थोड़ा थोड़ा देसी घी डाल करके इसे भूनते जाएं। 1 से 2 मिनट के लिए गोंद को हम धीरे धीरे लो फ्लेम पर भूनेंगे। थोड़ी ही देर में आप देखेंगे ना कि गोंद बिल्कुल पॉपकॉर्न की तरह फूल करके डबल साइज का हो गया है। तब हम इसे घी से निकाल लेंगे। बाकी बचे गोंद को भी थोड़ा थोड़ा घी डाल करके हम इसी तरह से लो फ्लेम पर भूनेंगे। और ये देखिए, सारे गोंद को हमने भून लिया है। और ये देखिए, जब आप इसे अपने हाथों से मस लेंगे ना तो ये बिल्कुल चूर चूर हो जाता है। इसका मतलब है कि हमारा गोंद बहुत अच्छे से भून गया है। चलिए अब हम बाकी के ड्राई फ्रूट भी भून लेते हैं। सेम कढ़ाई को हम गैस के ऊपर रखेंगे और इसमें 1 टेबल स्पून देसी घी डालेंगे और इसे मेल्ट करेंगे। आपके पास अगर नारियल का बूरा है तो आप वो डाल सकते हैं, या फिर नारियल को कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। मैंने इसे छोटे छोटे पीसेस में काट लिया और इसे हम फ्राई कर लेंगे। 1 से 2 मिनट लो फ्लेम पर भूनने के बाद बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया है। तो अब हम इसे घी से निकाल लेंगे। आप अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट इसमें डाल सकते हैं। मैंने 100 ग्राम बादाम और 100 ग्राम काजू लिया है। थोड़ा सा घी बचा हुआ है तो हम इसमें थोड़ा और घी डालेंगे और लो फ्लेम पर बादाम को भूनेंगे। अगर आप हाई या मीडियम करेंगे तो जल जाएगा। लो फ्लेम पर हमने 2 मिनट के लिए भून लिया है और ये देखिए बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया है। तब हम इसमें अपने कैशू को भी डाल देंगे और 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ही भूनेंगे। इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं भूनना है। काजू और बादाम को निकाल करके एक प्लेट में रख लेते हैं। और ये देखिए कितना सुंदर कलर आया है ना, तो अब इससे ज़्यादा कलर हम इसका चेंज नहीं करेंगे। 1/2 कप किशमिश लिया है हमने, इसे भी लो फ्लेम पर भून लेंगे। लो फ्लेम पर किशमिश को भी हमने भून लिया है तो इससे ज़्यादा इसका कलर चेंज नहीं करेंगे और इसे भी निकाल लेंगे हम घी से। गैस के ऊपर हमने सेम कढ़ाई रख दिया है और यहाँ पर हमने 200 ग्राम गोंद लिया है ना, तो मैं यहाँ पर 300 ग्राम आटा लूँगी और इसे लो फ्लेम पर भूनेंगे। आप चाहो तो आटे को घी में भी भून सकते हैं, लेकिन इस तरह से भूनेंगे ना तो आटे को भूनना थोड़ा इजी हो जाता है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में लड्डू बना रहे हैं तो 8 से 10 मिनट के बाद देखिए आटे का कलर हल्का सा चेंज हो गया है। गैस की फ्लेम को हम लो ही रखेंगे, लो फ्लेम पर ही भूनेंगे। 2 टेबल स्पून हमने इसमें देसी घी डाला है और इसे धीरे धीरे करके मिक्स करेंगे। बीच बीच में हम इस तरह से देसी घी डालते जाएंगे और आटे को लो फ्लेम पर ही भूनेंगे। इससे आटा बहुत जल्दी भून जाता है। और ये देखिए आटे का कलर हल्का सा चेंज हो गया है, तो हम इसमें फिर से देसी घी डालेंगे। बीच बीच में हम इस तरह से देसी घी डालते जाएंगे और आटे को भूनेंगे। इससे ना आटा भूनने में बहुत ही आसानी हो जाती है। भूनते भूनते देखिए आटे का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। आटे से बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगी है। तो अब इससे ज़्यादा हम अपने आटा को नहीं भूनेंगे। टोटल यहाँ पर मुझे 30 मिनट लग गया है आटा को भूनने में। आटे को हमने बड़ी सी बर्तन में ट्रांसफर कर लिया है। आप चाहो तो प्लेन इस तरह की कटोरी से गोंद को क्रश कर सकते हैं। बहुत ही इजीली ये हो जाता है। ये देखिए कितनी आसानी से हो रहा है ना। या फिर मिक्सी में डाल करके 1 से 2 सेकंड के लिए इसे क्रश कर लीजिए। आटे में हमने जो ड्राई फ्रूट लिया था ना, काजू बादाम किशमिश और जो सूखा नारियल था, सभी को हमने मोटा मोटा हल्का सा दरदरा पीस लिया है, इसे डालेंगे। गोंद को भी हमने ऑन ऑफ करके मिक्सी के जार में इसे क्रश कर लिया है। और ये देखिए कितना इजीली ये हो गया है ना, खाने में बहुत ही ज़्यादा ये दानेदार भी लगती है। बाकी बचे गोंद को भी हमने क्रश कर लिया है, इसे भी डाल देंगे। मीठे के लिए यहाँ पर मैंने 300 ग्राम बूरा ले लिया है। आप चाहो तो चीनी को भी पीस करके डाल सकते हैं, लेकिन बूरी से ना लड्डू का टेक्सचर बहुत ही अच्छा आता है और खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगती है। सभी चीज़ों को आटे में एक बार बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे।
सर्दी स्पेशल है तो 1 टीस्पून सौंठ का पाउडर डालेंगे और आटे में बहुत अच्छे से सभी चीजों को मिक्स करेंगे। क्योंकि हमने कम घी डाल करके आटे को भुना है तो इसमें बाइंडिंग नहीं आई है, तो हम घी गर्म करके इसमें डालेंगे और इसे ना धीरे धीरे करके आटे में मिक्स करेंगे। गर्मा गर्म जब रहे लड्डू बना करके चेक कर लेते हैं। ये देखिए बाइंडिंग नहीं आई है तो इसमें थोड़ी सी और घी गर्म करके डालेंगे। थोड़ा सा और घी हमने गर्म करके डाला है और फिर से इसे मिक्स करेंगे। आटे में घी को हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे और ये देखिए हल्का सा भुरभुरा भुरा सा हो गया है ना। अब हम लड्डू बना लेंगे एक एक करके। छोटी बड़ी आप अपनी पसंद के हिसाब से लड्डू बना लीजिए। और ये देखिए सारे लड्डू हमारे कितने अच्छे से बन रहे हैं ना, बहुत ही ज़्यादा गोल गोल भी बन रहे हैं। जब हल्का सा गुनगुना हो ना मिक्सचर, उसी टाइम पर लड्डू बना लीजिए। अगर ये ठंडे हो जाएंगे ना तो फिर लड्डू नहीं बना पाएंगे, इसलिए जब ये गर्म हो तभी बना लें। और जब सारे लड्डू बन जाए और ठंडी हो जाए तो इसे एयरटाइट डब्बे में भर कर रख लें और महीनों तक इंजॉय कीजिए। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगती है खाने में। रेसिपी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।